साथियों आजादी के अमृत काल में वाटर सिक्योरिटी जल सुरक्षा भारत की प्रगति के सामने चुनौती न बने इसके लिए बीते आठ वर्षों से जल सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है कैच द रेन हो अटल भूजल योजना हो देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण हो नदियों को जोड़ना हो या फिर जल जीवन मिशन इन सबका लक्ष्य है देश के जन जन को जल सुरक्षा कुछ दिन पहले ही एक खबर आई है कि भारत में अब रामसर साइट्स यानी वेटलैंड्स की संख्या भी बढ़कर पचहत्तर हो गई है इनमें से भी 50 साइट्स पिछले आठ वर्षों में ही जोड़ी गई है यानी वाटर सिक्योरिटी के लिए भारत चौतरफा प्रयास कर रहा है और इसके हर दिशा में नतीजे भी मिल रहे हैं साथियों पानी और पर्यावरण के प्रति यही प्रतिबद्धता जल जीवन मिशन के 10 करोड़ के पड़ाव में भी झलकती है काल की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती है सिर्फ तीन साल के भीतर जल जीवन मिशन के तहत सात करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा से जोड़ा गया है ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है आजादी के सात दशकों में देश के सिर्फ सिर्फ तीन करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास ही पाइप से पानी की सुविधा उपलब्ध थी देश में लगभग 16 करोड़ ग्रामीण परिवार ऐसे थे जिनको पानी के लिए बाहर के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था गांव की इतनी बड़ी आबादी को हम इस मूल आवश्यकता के लिए संघर्ष करते नहीं छोड़ सकते थे इसलिए तीन साल पहले मैंने लाल किले से घोषणा की थी कि हर घर पाइप से जल पहुंचाया जाएगा नई सरकार बनने के बाद हमने जल शक्ति अलग मंत्रालय बना दिया इस अभियान पर तीन लाख साठ हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं तीन लाख साठ हजार करोड़ रुपए सौ साल की सबसे बड़ी महामारी की वजह से जो रुकावटें आई उसके बावजूद इस अभियान की गति कम नहीं पड़ी इसी निरंतर प्रयास का परिणाम है कि सात दशकों में जितना काम हुआ था उससे दो गुने से अधिक काम देश ने पिछले तीन साल में ही कर दिखाया है ये उसी मानव केंद्रित विकास का उदाहरण है जिसकी बात मैंने इस बार लाल किले से की है हर घर जल जब पहुंचता है तो सबसे अधिक लाभ हमारी बहनों को होता है भावी पीढ़ी को होता है कुपोषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई मजबूत होती है पानी से जुड़ी हर समस्या की सबसे अधिक भुक्तभोगी हमारी माताएं बहने होती हैं इसलिए इस मिशन के केंद्र में भी हमारी बहन बेटियां ही है जिन घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा है वहां अब बहनों का समय बच रहा है परिवार के बच्चों को दूषित जल की वजह से होने वाली बीमारियां भी कम हो रही है